हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि ये बहुत सारे मेरे दर्शकों ने, मित्रों ने ये क्वेरी भेजी थी मुझे कि सर, उनके घर के अंदर कबूतर घोंसला बना लेते हैं, कबूतर उनके घर में रहना शुरू कर देते हैं और अक्सर उनके घर के अंदर अंडे देकर बच्चे भी हो जाते हैं। क्या ये अशुभ है? क्या ये शुभ है? कहीं घर के अंदर कबूतर का आना किन किन चीजों को संकेत करता है? क्या ये विपदाएं लेकर आता है? क्या ये परेशानी लेकर आता है? क्या ये मृत्यु लेकर आता है? या फिर कोई शुभ संकेत लेकर आता है? वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ज्योतिष आध्यात्म क्या कहता है कबूतर के बारे में, जो कि आपके घर के अंदर अपना घोंसला बना लेते हैं या अंडे दे देते हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें शुभ और अशुभ संकेत देती है। उसमें बहुत सारी हमको, मैं कहूंगा कि नेगेटिविटी या फिर कई प्रकार के इंडिकेशंस होते हैं, संकेत होते हैं, हमको उनको समझना चाहिए। दूसरी बात, उनको ये भी देखना चाहिए क्या उनके पीछे कौन सा कारण है। आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कबूतर को ज्योतिष के अंदर राहु का कारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु शुभ है और जन्म कुंडली के अंदर राहु आपको लाभ दे रहा है, तो फिर आप ये समझकर चलिए कि आपके घर के अंदर यदि राहु का कारक कबूतर अपना घोंसला बना ले या फिर वहां पर अंडे दे या फिर वहां पर रहना शुरू कर दे, तो ये एक शुभ संकेत है। आप इसको ऐसा मान के चलिए कि राहु आपकी सहायता कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु नेगेटिव है और वो आपको बुरे प्रभाव यदि दे रहा है, तब यदि आपके घर के अंदर कबूतर का किसी भी प्रकार से आना जाना है, घोंसला बना लेना है परमानेंटली, या फिर बच्चे दे देना है, या फिर गंदा करना है, तो मान के चलिए कि ये अशुभ संकेत है और आपके जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर राहु हमें शुभ संकेत दे रहा है या अशुभ संकेत दे रहा है। दोस्तों, राहु शनि के बाद जिस प्रकार से शनि के दुष्प्रभाव होते हैं, यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है, राहु दूसरे नंबर का प्लैनेट है, यदि वो अशुभ संकेत दे रहे हैं तो उसके भी परिणाम शनि की तरह होते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु शुभ है, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान, सरकार के अंदर, जनता के अंदर या फिर इस युग के अंदर कुशल रणनीतिकार होता है। श्याम दंड भेद नीति, जो सब प्रकार के गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर यदि शुभ है किसी की कुंडली में, तो वो व्यक्ति आपको इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ है, तो उसके और भी मैं यहां पर आपको लक्षण बताता हूं। आप काफी सफलता प्राप्त करेंगे जीवन के अंदर। आप किसी भी प्रकार की जो बाधा आपके जीवन में आएगी,
उससे आप पार लेंगी, निकल जाएंगी। आपको गूढ़ रहस्य या किसी की भी जो छुपाई हुई बातें हैं वो पता चल जाएंगी। ऐसे लोग जीवन के अंदर हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब होगा तो वो हमेशा और लोगों की साजिश का शिकार हो जाते हैं, उनको यश प्राप्त नहीं होता, जीवन के अंदर उनको काफी परेशानियां आती हैं, उनको जीवन के अंदर गंभीर बीमारियां जो कि काफी लंबे समय तक चलती हैं वो लग जाती है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी जिससे कि वो हमेशा परेशान रहेगी। राहु अशुभ यदि व्यक्ति के जीवन में है तो वो व्यक्ति हमेशा कितनी भी शुभ बात हो, कितना भी अच्छा मौका हो, तो वहां पर वो नेगेटिविटी ढूंढ लेता है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के बाल रूखे सूखे मिलेंगे, हमेशा ऐसा व्यक्ति डरा हुआ मिलेगा। और राहु से पीड़ित व्यक्ति के चेहरे से झलक जाएगा कि ऐसा व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है, क्योंकि वो उसका जो मन है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, भटकता रहता है। ये अशुभ राहु के लक्षण है। दोस्तों, यदि आपके अंदर शुभ या अशुभ जो लक्षण मैंने यहां पर बताए वो होते हैं तो उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए राहु शुभ है या अशुभ है। यदि आपके लिए राहु शुभ है तो आपके घर में जो कबूतर आते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। एक बात हो, यदि आपके घर के अंदर कबूतर नहीं आते और राहु आपके लिए शुभ है तो आप कबूतर को दाना भी डाल सकते हैं। कबूतर को दाना डालना, उनको अन्न देना, वो राहु की शुभता को बढ़ा देता है। ये एक उपाय है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि राहु अशुभ फल भी दे रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया कि कबूतर आना शुभ है या अशुभ है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये बात बताने जा रहा हूं। जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो बिल्ली का रोना हो, बिल्ली का रास्ता काटना हो, कुत्ते का रोना हो, कुत्ते का भौंकना हो, छिपकली का गिरना हो, या अन्य प्रकार की जो कि हमारे शास्त्रों में या हमारे जो घर के पूर्वज हैं वो बताते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। यदि हम उनको संकेत जो वो मिलते हैं उनको समझ लें तो हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं, और यदि कोई नेगेटिव चीज है तो उससे लाभ भी उठा सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहां पर बिल्ली का रास्ता काटना, रोना, कुत्ते का रास्ता काटना या रोना, या इसी प्रकार की अन्य वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन के अंदर जो भ्रम पैदा हो जाता है, जो डर पैदा हो जाता है, तो मैंने वहां पर आपको उपाय भी बताया है और उसके कारण भी बताए हैं। दोस्तों, मुझे यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। होता क्या है, बहुत सारी वीडियोस आती हैं और वो आप तक नहीं पहुंच पाती। उसका दो कारण होते हैं, एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि
आप बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाते। दोस्तों, मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग, योग और ध्यान के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को सलाह देता हूं। यदि आपके जीवन के अंदर भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें अपनी परेशानी लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर, मेरा अनुभव बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर अंतिम समय तक जीवन के अंदर जो भी परेशानियां आ सकती हैं, उन सभी समस्याओं के समाधान आध्यात्मिक रूप से प्रैक्टिकली हम क्या उनका उपाय कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। दोस्तों, ये जो उपाय होते हैं वो मेरे पिछले 30 वर्षों का अनुभव है, जो कि मैं ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलूंगा। हरे कृष्णा।